हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर टू फेडरल की बुक से क्लास इंटर मसल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि मसल्स क्या हैं और मसल्स की कितनी अकसाम हैं। तो मसल्स जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, मसल्स कैन अंडरगो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं। मसल्स के बहुत सारे काम हैं, उनके वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। मसल्स कैन प्रोवाइड द मूवमेंट। जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और मसल्स रिलैक्स होते हैं तो पूरी बॉडी मूव करती है या बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मूव करता है। जैसे ये मेरी आर्म है, मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्म जो है वो मूव कर रही है। मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड पॉइंट है कि मसल्स कैन जनरेट द हीट, हीट प्रोडक्शन करते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से, शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी मसल्स का एक काम है। आगे अगर हम बात करेंगे, मसल्स कैन होल्ड द बॉडी पार्ट इन पोस्टीरियर पोजिशन। हमारी जो इरेक्ट पोजिशन है ये मसल्स की वजह से, हमारी जो पोस्टीरियर, हमें जो शेप मिल रहा है ये भी मसल्स की वजह से ही मिल रहा है। और जब हम मसल्स की स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को मायोलॉजी कहेंगे। द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी, ठीक है। ये तो थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया मसल्स के बारे में। हम इन डिटेल्स में फोकस करेंगे स्केलेटन मसल्स के बारे में। वो इसलिए स्केलेटन मसल्स के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम सपोर्ट एंड लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन जो है स्केलेटन मसल्स की वजह से होती है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मगर अभी हम देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं मसल्स की। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, उनको फोकस करते हैं। नंबर वन है स्मूथ मसल्स, नंबर टू है कार्डियक मसल्स एंड नंबर थ्री है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या है। अगर स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो स्मूथ मसल्स कहाँ पे हमें मिलते हैं? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनमें भी हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो खाना अंदर चला जाता है स्टोमिक में, या यूरिन से जो यूरिनर ब्लेडर है, जो यूरिन पास आउट हो जाता है, तो ये सारे मसल्स हैं ब्लड की जो है स्मूथ मसल्स की वजह से हो रही है। अगर हम इस स्मूथ मसल्स को देखेंगे तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, ये हमारे इख्तियार में नहीं होते। इन्वॉलेंट्री मीन्स के ये मसल्स हमारे मुताबिक काम नहीं करते। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नहीं पता चलता कि खाना कहाँ पे जा रहा है, हम नहीं रोक सकते नीचे खाने को, खाना खुद ब खुद नीचे जो फूड है, फूड हम जब च्यूइंग करते हैं वो बोलस बन जाता है, तो बोलस जो है उसकी जो सॉल्विंग है नीचे जब चला जाता है तो मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं स्मूथ मसल्स, तो उस वो हमारे इख्तियार में नहीं होते। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री हैं। ये मसल्स क्या हैं, इनवॉलेंट्री हैं। इन मसल्स के अगर सेल की शेप को देखेंगे तो इन स्मूथ मसल्स के जो सेल की शेप है वो स्पिंडल शेप है, इस तरह हैं, और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो है स्पिंडल शेप, इसमें सेल होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें स्ट्रिएशन नहीं होती। स्ट्रिएशन का अगर मैं बता दूं तो स्ट्रिएशन में आप देखेंगे तो मसल्स में ऐसे कुछ बैंड्स होते हैं, वाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, जो आगे मैं इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं किस में, जो हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बैंड्स के बारे में बताऊँगा कि स्ट्रिएशन क्या है। स्ट्रिएशन आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट। ये जो बैंड्स हैं, वाइट लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स, जैसे ज़ेब्रा पे ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं, तो इन मसल्स में स्ट्रिप्स नहीं होती, इसलिए इसमें स्ट्रिएशन एब्सेंट है, तो इसको हम स्ट्रिएशन कहेंगे। तो इनमें स्ट्रिएशन जो है एब्सेंट है। स्ट्रिएशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। कार्डियक मसल्स, कार्डिया हम कहते हैं हार्ट को,
ये मसल्स हार्ट की वाल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलते हैं, इसलिए इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो ये हार्ट में जो बीटिंग होती है, जैसे मैंने लास्ट 14 नंबर चैप्टर में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था कि एन ए नोड क्या है, एस ए नोड क्या है, और एन ए नोड से जो इम्पल्स मिलती है और मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये कंट्रैक्शंस मसल्स के चैम्बर्स जब कंट्रैक्ट करते हैं हार्ट बीट में, ये मसल्स काम करते हैं। ये भी इनवॉलेंट्री इनएक्शन है, हम हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये मसल्स खुद ब खुद काम करते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, याद रखिएगा कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड थे, तो ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स है। उनके सेल भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, मीन्स के एक न्यूक्लियस होता है, जैसे स्मूथ मसल्स में एक न्यूक्लियस था, तो इनके स्मूथ मसल्स के सेल में जैसे एक न्यूक्लियस था, तो इनके सेल में भी एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनमें भी देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फाइब्रस शेप हैं और इसमें इनमें स्ट्रिएशन होती है, मगर इनमें स्ट्रिएशन इररेगुलर होती है। स्ट्रिएशन मीन्स लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, मगर इनमें इररेगुलर लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशन नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनमें जो इनके सेल हैं उनमें ब्रांचिंग सिस्टम होती है और सेल एक मेश वर्क बनाते हैं, मेश नेटवर्क बनाते हैं। इनमें जो इनके सेल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं और जहाँ से कनेक्टेड होते हैं उनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये वाली जो है, देखिए, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ जिस जगह पे ये कनेक्टेड होते हैं उस जगह को इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो ये हमारे कार्डियक मसल्स की बात हो गई, स्मूथ मसल्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स मीन्स हमारे जो बोन्स हैं उसके ऊपर जो अटैच्ड मसल हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, और हम ज़्यादा फोकस ही स्केलेटल मसल्स में करेंगे। स्केलेटल मसल्स में मैं आपको बताऊँगा कि लाइट बैंड्स क्या हैं, डार्क बैंड्स क्या हैं, और स्ट्रिएशन क्या है, स्ट्रिएशन कहाँ पे होती है, मायोफिलामेंट्स के बारे में भी हम इसी में ही बात करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, ये लोकोमोशन करवाते हैं, जो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ये वॉलेंट्री इनएक्शन है। अब याद रखिएगा कि स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री थे, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री थे, मगर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री है, वो हमारे इख्तियार में है। अगर इस बाजू को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे उठा रहा हूँ, तो ये मेरे इख्तियार में है कि इनको जैसे चाहे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे अंडर कंट्रोल है। तो ये क्या है, ये वॉलेंट्री इन एक्शन है। इनके अगर सेल्स को देखेंगे तो इनके सेल को मसल्स फाइबर कहते हैं या मसल सेल कहते हैं, मसल सेल्स को मसल्स फाइबर कहते हैं या मसल सेल्स कहते हैं। इनकी शेप स्पेंडल है या तो सिलेंड्रिकल है, या तो स्पेशल स्पेंडल है या तो सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है, और इसमें रेगुलर स्ट्रिएशन होती है। अब स्ट्रिएशन को हम डिटेल में हम बात करेंगे इसी के साथ। और दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है, देखें, स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशन नहीं थी, कार्डियक मसल्स में इरेगुलर स्ट्रिएशन थी, मगर इसमें स्ट्रिएशन रेगुलर है। अब स्ट्रिएशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्मूथ मसल्स में एक न्यूक्लियस था उनके सेल में, कार्डियक मसल्स में भी एक न्यूक्लियस था उनके सेल में, मगर इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल्स के सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम मायोफिब्रल्स की बात करेंगे तो मायोफिब्रल्स आर द बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट कंटेन्स कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। मायोफिब्रल्स के अंदर कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स फिलामेंट्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं, उसको मायोफिब्रल्स कहते हैं। अगर स्ट्रिएशंस को यहाँ पे देखें, थोड़े इनके फोकस करो, नजर अच्छे पर देखें, दिस इज द स्ट्रिएशन, इसको देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रिएशन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है लाइट बैंड नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको डार्क बैंड नज़र आ रहा है, उसके बाद दोबारा जो है लाइट बैंड नज़र आ रहा है, उसके बाद दोबारा आपको डार्क बैंड नज़र आ रहा है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। ये जो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिएशन। जैसे कि ज़ेब्रा के ऊपर बैंड्स मौजूद होते हैं, तो इस पर भी आप देख सकते हैं इन मसल्स के सेल के अंदर आपको बैंड्स नज़र आएंगे, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिएशन। तो कंप्लीट रेगुलर स्ट्रिएशन आपको नज़र आएगी स्केलेटल मसल्स में,
और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। अब हम फोकस करेंगे स्केलेटन मसल्स को, और स्केलेटन मसल्स के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। स्केलेटन मसल्स को देखेंगे कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।